उसकी जान लेने का है उसकी। अम्मू शाला पूर्णिमाला कवा है जीव घेना और होते गाँव से तरफ से हो रहा है, हमारे गाँव से तरफ से ना हुए। मधु नाना साथ में मधु नाना सीताफड़े सक्सेना केतन है, सब पता है हमारे बाबा, याद आती है पर बोलता नहीं है। हमारे बोलता है 50 लाख तुम्हारे बैंक में बोलता है, कौन बोलता है पता नहीं बाबा, पर बोलता है हमारे दोबारे बार में लुस्कान कर रहा है, पर लुस्कान नहीं हो रही है, लुस्कान नहीं हो रही है। नाम का है सुदामती का जादू करने का से क्या लेके गए थे भाई का, लुस्कान नहीं हो रही है। जादू करने का से क्या लिए थे, केस कपड़ा बाल मट्टी क्या लिए थे, लाल कपड़ा लिए थे, लाल कपड़ा है, दिल से प्यार करती है, मेरे को घालता नहीं आता हूँ, दिल से प्यार कर दिए। तू जादू कर रही उसके ऊपर क्या, नहीं हम नहीं कर रही है। हाँ? तुझे पकड़ के ला के डाले उसके अंदर, लाल कपड़े से प्यार करिए दीदी, कर नहीं दे रहा है। तुझे सिलामती के अंदर ला के डाले सुमार दे बोल के, क्या जीव घे मन में तुला, कौन बोलता है, कौन ही पार्टी में ले जाऊंगा मत तुला, इसमें कौन पार्टी ले। हाँ पता नहीं बाबा से पता है सब, इसका जान लेने कोई तू नहीं, भैया बोलती है इसको, भैया बोलती है, कभी किसी के मैं बुरा नहीं मानती। कपड़ा कौन लेता था जादू करने के वास्ते, ते पता नहीं। तू ले जा जीव का घेना होती, कौन सा जीव, सिलामती का सुलामती का क्या मालूम नहीं, झगड़ो उसको तेज साथ में, क्या मालूम नहीं, जल्दी बता सकते हो, दोनों हाथ काट के ले लेता हूँ, मालूम नहीं। खरा खरा सांग नहीं तो पूरा जला देंगे, जलाओ उसके अंदर से आग लगाओ। जादू कहां से करे, शमशान से करे, कब्रिस्तान से करे, बाबा कहां से करे, बाबा जलाओ उसको तेजी से आग लगाओ, बाबा काट के ले लू दोनों हाथा, काट दूं पूरा जला के राख कर दूं, किसी के कौन है पता नहीं। हाँ काय मन ले तुला, कशा मधी च्या अंगा मधी पाठविले होते, काय गोष्टी आहेत ते, काय दुश्मनी आहे ते सांगा मना पटकन, काय दुश्मनी कोण आहे तर सांग मना पटकन, जलाओ 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 उसके हाथों में तेजी से आग लगाओ, जब तक उन्हें मेरे सवाल का जवाब नहीं देते जलाते रहो, कोण आहे दुश्मन तर सांग मना, चल नाम नहीं तो नहीं वजह बता, रीजन बता, दुश्मनी करने का कारण क्या है वो बता, हाँ काय कारण होता, किसी को भी क्या बुरा नहीं बोलती है। हाँ। बाबा ने पोछे लगाते हम। हाँ। तो बोलती है हम क्या हो गया कि शीला मती ला कशा मधी खाऊ घातले होते, चहा मधी खाऊ घातले, कवा किती टाइम झाला, किती वर्ष झाले, किती महीने झाले, किती दिवस झाले, हाँ बरेच दिवस झाले, तो फिर भी किती, 3 साल हो गए ना, 3 साल हो गए, चाय मधी घातले होते, दवा कहाँ से लाए थे, शमशान से कब्रिस्तान से, पता नहीं, फिर इसका तड़पा तड़पा के मार दे बोले इसको, पता नहीं, जलाओ जलाओ जलाओ, सवाल के जवाब नहीं देके आग लगाओ उसके अंदर तेजी से, बाबा हाँ कौन है बाबा, हाँ चलते को एक मौका दे रहे, एक मौका बाबा, दूसरी चक्कर तक सब याद करके आके सुनाना, कौन डाले थे, कुटले लोग का होते थे, काय गोष्टी आए, काय दुश्मनी आए, कशा मधी घातले, कहां से जादू करे, शमशान से कब्रिस्तान से, इसके घर से कितने लोगों को मारने आले, इसको कब मारने आले, सब याद करके आके दूसरी चक्कर में सुनाना, जब तक उसको बन के रखो तेज एक साथ में। एक गिलास इतलो पानी दे, हाँ पियो पानी पियो, खोलो उसको, ये पानी सुबह शाम 2-3 टाइम मुंह पे मारना, आंख पे छिनकना, घर में सब तरफ छिनकना, वो पानी दुआ का है, वो बढ़ाते जाना, ज्यादा ज्यादा पिलाते जाना,
दो टाइम धूपान देने का उसका, सकाळी संध्याकाळी दोनदा। लोबान का लोबान लोबान मिला के इधर से आ रहा सामने से कैमरा लेके। ये जो गोष्ट आए तर ये असी आए ये कहाँ का लगे वाला मरे वाला शैतान ऐसा नहीं है, ये लाकर लगाए वाला है, ये लाकर जागरूक करके दवा चाय में उन्होंने बोला मिला के अमल करके पिला दिए और उसको जागरूक करके छोड़ दिया है। तो उसका खाली एक ही काम रहता आना, इसको पागल के जैसा पूरा पेशेंट बावरान कर देना, पागल कर देना, फिर भाग जाना, आना जाना चलते रहता उसका नेटवर्क जाता। फिर उसके बाद में क्या बोलते तो नेटवर्क आता नेटवर्क जाता चलते रहता खेल। वो नेटवर्क आने में और जाने में मदद कौन करता, जो अंदर अटके वाली दवा है वो उसको खींचते रहती, कैच करते रहती, फिर उसके बाद जाके फिर कैच करके बुला देती। बहुत सारे डिफिनेशन, बहुत सारे थियरियां हैं ये अमल अमलियात की दुनिया में। अलग अलग किस्म के वार रहते, कोई वार से पेशेंट को पागल कर दिए जैसा कर देते, कोई वार से बीमारी बदल देते, कोई वार से पूरे शरीर की अशक्ता भर देते, शक्ति निकाल के कमजोर कर देते उसको। ये सब ऐसे अलग अलग पार्ट है उसके अंदर। फिर तबई बर्बादी वाले पार्ट से लगे, तबई बर्बादी को लगा देते, कोई काम नहीं बनने देते, बनता काम बिगाड़ देते। फिर मन के अंदर दिमाग के अंदर वसवसे डालते, सुसाइड कर देना, मर जाना, खत्म हो जाना। फिर लड़ाइयां लगाते, किरकिरा लगाते, सुकून बेसुकून कर देते। ये सब जादू टोने के पार्ट है और ये अलग 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 किस्म के थे। किसी को औलाद नहीं होने देते तंत्र मंत्र क्रिया से, किसी को औलाद हुई तो उसके बच्चे पनपने नहीं देते, मार देते। मैंने सब पूछा वाले वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल में सब देख लो, किसी को बेटा ही नहीं होने देते क्या भी कर लो जादू टोने से तंत्र मंत्र से। मैं जबानी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पूछा वाले शैतानों के जबानी बहुत सारे वीडियो में पूछ लो। फिर बहुत सारे तंत्र मंत्र के ऐसे भी खेल होते हैं किसी को बेटा होना ही नहीं, खाली बेटियों की लाइन लगा देते, क्या भी कर लो बेटा होता ही नहीं, बेटा ही होते। जब अमल करेंगे इबादत की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह के हुक्म से बरोबर को हटगा तो फिर बरोबर बैठा होता। और किसी को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते अमल अमलिया से, किसी को वक्त से पहले बीमारियां लगा देते, जान ले लेते, मुद्दत बन देते, मुठ बन देते, मुठ के हिसाब से मारते। ये सब पूरा खेल है, ये सब तंत्र मंत्र के। शैतान जिन्नात किसी के सामने हाजिर नहीं होता, जो अल्लाह ने ताकत दिया वहां हाजिर होता है, वहीं सवाल करता है। और बाकी किसी छोटे मोटे इलाज वालों से नहीं डरते वो शैतान, बाकी जहाँ अल्लाह ने ताकत दिया वहां उसको बरोबर जकड़ लेते, मारते, खत्म करके नष्ट कर देते बाद में उसको। ताकत वो सब पावर दिया अल्लाह ना, निजाम अल्लाह का। और ये सब कुछ कर सकते हैं अमल अमलियात में, जादू टोने में, तंत्र मंत्र में, इतनी ताकतें हैं, इतनी ताकत है। तुम अगर बोलेंगे कोई किसी को जाकर कि अभी बता जादू, अभी बता सामने, कैसे बता सकता हूँ सामने तुम्हारे जादू बताने को, सामने बताता हूँ उन्हें पीछे जाकर अम्मास पुन्नमों में तुम पे वार चलाता। और जब वार चलते तो फिर इतने खतरनाक तरीके से वार निकलते और उनको कुछ समझता नहीं। वो जो निकलते ना, जो उठाते, पैदा करते, जागरूक करते, उनको काम पे लगाते, तो उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं रहता। उनकी सिर्फ दुनिया इतनी रहती जो टारगेट है, टारगेट, और टारगेट से जहां से निकले वहां बस आना जाना, उतना खेल चलते रहता, उतनी उनकी दुनिया रहती। और जब पकड़ लेता उनको बड़ा इलाज वाला अल्लाह ने जिसको बादशाह बनाया इलाज के, उन्हें जब पकड़ लिया तो फिर उनकी तो बाखू बोलने, फिर बोलते माफ कर दो, हम खुद ने समझ रहा हूँ जादूगर ने डाला था। फिर जादूगर की श्यामत आ जाती थी, फिर उसके वारा उस पर पलटा के डालते, फिर वो बलाएं भी छूट के जाके उस पर हमला करते, और जो चीजों ने उनको बलाओं को पकड़े वो चीजें भी जाकर उस पर हमला करते। ऐसा करके जादूगर को हलाक कर देती, फौज मार देती, खत्म कर देती, दुनिया में जीने का हक नहीं उसको। लोगों को जो परेशान कर रहा, बेगुनाह लोगों को, जनता को, अवाम को बिला वजह परेशान कर रहे, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब अल्लाह के बंदे है। और अल्लाह के बंदों को तुम जहमत देंगे दुनिया में तो तुमको मार भी तो पड़ेंगी। अब भले ही वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई, वो जो भी है, उनके खबर के अंदर जाके उन्हें जवाब देंगे तू ये क्यों नहीं, तू सच्चे इसको क्यों नहीं माना, वो जो भी है, मगर है तो अल्लाह के बंदे ना पहले, तो अल्लाह तो सबसे मोहब्बत करता ना, और सबसे मोहब्बत करता। और तुम अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो उसके बंदों को तकलीफ देंगे, फिर उन्हें तुमको मारता भी, फिर आजाब में भी घेरता। अल्लाह ईश्वर वो शक्ति का नाम है, उसका नाम है कि जिसको सारे, हर किसी को देख लो तुम, हर बड़े से बड़े गुरुदेव को देखो, बड़े से बड़े कोई धार्मिक इंसान को देखो, यहाँ तक कि देवी देवताओं के भी फोटो देखो, तुम सबके देखो, सब सब ध्यान लगा के बैठे आले, सब ध्यान लगा के बैठते, और ध्यान लगा के बैठ के अपनी शक्ति बढ़ाते। तो ध्यान लगा कर किसका बैठते, सब देवों देवी देवा भी ध्यान लगा कर बैठते, तो किसका बैठते, उस परमात्मा का जिसने आत्मा बनाया, उस ईश्वर का जिसका नाम अल्लाह और ईश्वर है, उसका ध्यान लगाते, उससे शक्ति हासिल करते सब, कि जिसकी कोई शक्ल नहीं है। हर धर्म के अंदर बता दिया लेकिन उसकी कोई शक्ल नहीं है, उन्होंने सब शक्लें बनाया, और उन्होंने इंसानों को बनाया, उन्होंने शैतान को बनाया, जिन्नात को बनाया, चरिंदे परिंदे पेड़ पौधे सब उन्होंने बनाए वाले, और उन्हें सबका खालिक है, सबका पालनहार है, सबको संभाल के लेके चलने वाला है।
और तुम उसके बंदों को परेशान करेंगे तो तुमको सजा भी मिलेंगी, तुमको मार भी पड़ेंगी। तुम अगर तुम ऐसा सोच रहे होंगे हम बहुत बड़े अफसर है, हम बहुत बड़े ताकतवर है, हम बहुत बड़े बादशाह वक्त है, बादशाह वक्त को भी नहीं गिनता हूँ। जब घेर लिया अगर आजाद में तो कोई बादशाह वक्त की औकात नहीं है। बादशाह वक्त भी अल्लाह और ईश्वर अल्लाह ही चुनता और बादशाह वक्त को भी उन्हें ही बनाता, हर चीज को उन्हें बनाता। और तुम अगर गलत यूज करेंगे, गलत शक्तियों का प्रयोग उसका प्रयोग करिए, तुमको मार भी पड़ेंगी, यकीनन फिर तुम आजाब में गिरेंगे और तुम कहीं के ना रहेंगे, कहीं के ना बचेंगे। इसलिए कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। दुआएं याद करो, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ तुम याद करके, खाने की दुआ याद करना, बाहर जाने की दुआ याद करना, चलने की फिरने की हर चीज की सफर की, तुम इससे महफूज रहेंगे। महफूज रहेंगे तो तुम्हारे पर कोई जादू टोने का वार नहीं चलेगा, कोई शैतान नहीं, कोई बला तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी। तुम खुश तो तुम्हारी फैमिली खुश, तुम्हारी फैमिली खुश तो तुम्हारा घराना सुकून करेगा, और नहीं तुम डिस्टर्ब तो पूरी ऑल फैमिली डिस्टर्ब, और पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहेंगी तो तुम्हारी फिर गई दुनिया भी है, बर्बाद हो जाएंगी जादू टोने के चक्रों में। और कोई जादूगरों के पास जाना नहीं, तुम्हारा सब खा लेते, चुट लेते, बर्बाद कर देते लास्ट में, क्योंकि उनका ने फैज नहीं मिलता, फैज अल्लाह वालों की तरफ से मिलता। ये सब बातों को याद रखो, और अल्लाह वालों और बुजुर्गान दीन को कभी बुरा नहीं बोलना। तुम लाख सजदे कर रहे, तुम लाख कुराना पढ़ रहे, तुम लाख इबादतें कर रहे, मगर तुम्हारा रब अगर तुमसे नाराज हो जाएगा और तुम्हारा रब तुमसे खुले जंग का ऐलान करेगा तो बताओ क्या तुम्हारी नमाज इबादत कुरान को भूलूंगी? कहां जाके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे? क्योंकि अल्लाह कुरान, अल्लाह खुद फरमा देता कि जो मेरे वलियों के वास्ते दिल में बुग्ज रखता, बुग्ज यानी कि दिल के अंदर जरी सी किसी बुरा असर रखता, तो उससे अल्लाह खुले जंग का ऐलान करता। जब अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान करेगा, निकटो नालायको, तो फिर तुम्हारी कहां नमाज को बोलूंगी, कहां रोजा को बोलूंगा, कहां तुम्हारा जकात हज कुछ कबूल हो सकेगा? सब तुम्हारे मुंह पे लाके फेंक के मार दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा ना, मैं थोड़ी फरमा रहा हूँ, अल्लाह फरमा रहा। क्या फरमा रहा? मेरे वलियों के वास्ते दिल में जरा भी बोझ रखेंगे दिल बराबर तो तुम्हारे से खुले जंग का ऐलान करता फिर अल्लाह। जब अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान कर रहा और तुम अल्लाह के दुश्मन है, तो फिर बताओ तुम्हारा क्या को बोलूंगा? क्या आलम हुआ शद्दाद का, फिरौन का, नमरूद का, हामान का? पढ़ो जरा इनके, पता चलेगा तुमको। आलम इतने बड़े बादशाहत ने भी दिया था अल्लाह ने इनको दुनिया लेवल की, मगर बाद में क्या आलम करा, तुम्हारे तो कुछ औकात भी नहीं है इनके सामने। तो कहने सुनने से ज्यादा सबको अल्लाह अमल करने की तौफीक दे, और अच्छे बनो और नेक बनो। कोई धर्म तुमको नहीं सिखाता कि आपस में लड़ाइयां रखना, बुगज रखना, जादू टोने करना। सब धर्म तुम्हारा मानो था कि हक के बारे में ही सिखाते, और सब अच्छा सिखाते तुम्हारा, मिल हिल के रहो, एक रहो और नेक रहो, सब पे रहम करो। कहीं तुम्हारा ऐसा नहीं सिखाया वाला है कि अनाज का खराबा करके फेंक दो, अन्य को सड़ा दो अनाज को और सड़ा के फूट को फेंको। हर धर्म में बताया कि अनाज का भी रिस्पेक्ट करो। अनाज अगर खराब हो रहा, अपने ज्यादा पका दिए तो जानवरों को खिला दो, नहीं खिला सकते तो चिड़िया को रखो, चरिंदे परिंदों के भी बारे में सोचो, इंसानों के बारे में सोचो। तुम तो आज इंसान इंसान के कत्ल का खून का प्यासा बन गया, हाँ, इतना तुम्हारे को आपस में लड़ा दिए, इतना बेवकूफ बना दिया, अकल से पैदा लोग कहाँ जाके सुधरेंगे? तुम्हारे से तुम्हारा ईश्वर ये पूछेगा कि बताओ क्या आलम करके आए दुनिया में, क्या अच्छे कर्म करे, बता सकेंगे हमने ऐसा करे, हमने वैसा करे, हमने एक दूसरे को मारे, बैर रखे? ये सब बातों से बाज आओ, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। समझ गए कहाँ से आए थे, कहाँ से आए? दो बार, पहली बार गए थे।